Hi students, welcome at KidCan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Natural Energy Resources. From your book We Learn SST, class 6, published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KidCan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Natural energy resources. Natural energy resources are natural powerhouses from where we can obtain energy. Energy is very important in today's world. We need energy to produce electricity, which is needed for our homes, school, office and factories. Our TVs, computers, air conditioner, mobile phones and washing machines run on electricity. We also need energy to run our cars, buses, motorcycles, trains and aeroplanes. Natural energy resources natural powerhouse हैं जहाँ से हम लोग energy हासिल कर सकते हैं. Energy हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा important है. Energy से हम लोग electricity produce कर सकते हैं जो हम लोग घरों, स्कूलों, offices और factories में use करते हैं. Energy से हमारी TVs, computer, air conditioner, mobile phones, washing machines और बहुत सारे electric item चलते हैं. एनर्जी हमें कार, बसेस और मोटरसाइकिल, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है. नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारी नेचुरल चीज़ों में बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, विंड, वाटर, सनलाइट, ये सारी हमारे अराउंड है. ये बहुत ही इजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत छुपी हुई होती हैं, हिडन साइट्स पर होती हैं, जैसे रॉक, पत्थर, हॉट गैसेस, गैस अंदर अंडरग्राउंड ज़मीन से निकलती है. ये हमें तभी नज़र आती है जब हम लोग सरफेस खोदते हैं, ज़मीन खोदते हैं. आज के ज़माने में बहुत ही लेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मशीनरीज हैं ये जो ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इजी तरीके से ढूंढ सकती हैं. What are fossil fuels? Our planet as we see it today was not the same millions of years ago. It was covered in shallow water and forest. Plants and marine life thrived similarly to modern day mangrove swamps. हमारा planet बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे आज दिखता है. ये million years ago बहुत ही ज़्यादा change था. ये गंदे पानी से और forest से घिरा हुआ था. हर तरफ plants थे और marine life यहाँ पर यानी समुद्री ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा थी. जब यहाँ पर बहुत ही ज़िंदगी मर गई और ये फिर समंदर का सी बेड बनती गई, यानी समंदर का जो नीचे वो होता है, ज़मीन होती है, वो बनती गई. इसमें एनर्जी लेवल कार्बन में बढ़ता गया जिससे लेयर के ऊपर लेयर एक जमा होती गई. टाइम टू टाइम हीट, वेट, प्रेशर जो है कंप्रेस्ड होकर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बन गए, जैसे कोल, गैस, कोयला हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गई. ये फॉसिल फ्यूल्स हैं. रीन्यूएबल एंड न्यू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं और जो ख़त्म नहीं होती हैं, हमें इजीली मिल सकती हैं, जिनका ख़त्म होने का वो डर नहीं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ये फॉर्म्स है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की. इससे एनर्जी हमें सन से मिलती है. विंड एनर्जी, ये मूविंग एयर जो हवा चलती हवा है उसको विंड एनर्जी वहाँ से हमें मिलती है. टाइडल एनर्जी, टाइडल कहते हैं छोटी छोटी लहरें होती हैं समंदर में, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. और नॉन रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जैसे कोल, कोयला. ये हमें नॉन रीन्यूएबल जो होती है वो हमें इजीली नहीं मिलती हैं. ये हमें अर्थ के अंदर से, जैसे हमें कोयला मिलता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होगी जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है. द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होती है वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में यूज़ की जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ये हैं. उनमें से एक डिसएडवांटेज उसका ये है कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग जब जलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है.
रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इससे हमें पोल्यूशन नहीं होती और ना ही हमारे लिए नुकसानदेह है। एनर्जी हम लोग सन से लेते हैं, हवा से लेते हैं, पानी से लेते हैं, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। और होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ किटकैन डिजिटल लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड रिप्लाई answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.